Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 1, Introduction Part 3. Introduction Part 3 में हम limits of function पढ़ेंगे, ठीक है? And theorems of limits पढ़ेंगे. तो limits of function क्या होता है? Limits क्या होता है, ठीक है? कि function के ऊपर हम कोई ना कोई limit apply करते हैं कि ये function इस पे मतलब कि कहाँ तक इसकी इनपुट पे क्या लिमिट आएगी, सही है? तो इसकी इनपुट कहाँ तक जा रही है या इस फंक्शन के अंदर हम इनपुट जो दे रहे हैं उसकी लिमिट क्या आती है, ठीक है? तो उससे पहले हम एक देखते हैं सिंबॉलिकली, जिसे हम लिखते हैं एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, सही है? तो ये क्या चीज़ है, इसको हम पढ़ते इस तरह हैं कि एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो या फिर एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है? या आप इस तरह की कोई टर्म देखेंगे, x approaches to a, ठीक है? इसको पढ़ेंगे x approaches to a और x tends to a, सही है? तो या फिर एक और टर्म आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे x approaches to infinity, या फिर इसको पढ़ेंगे x approaches to x tends to infinity, ठीक है? तो x approaches to zero का क्या मतलब है कि जिस तरह से ये है कि 1 by 2 की पावर n, ठीक है? तो इस तरह से देखें, ये आगे आगे चलता जाए, सही है? 2 पावर n, n, n की वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती हैं, सही है? तो ये जिस आगे आगे किस तरह से चलेगा, 1 की पावर 1 ओवर 2 की पावर 2, ठीक है? 1 ओवर 2 की पावर 3, तो ये इस तरह से ये डिक्रीज़ होती जा रही है वैल्यू, ठीक है? तो ये आगे चलती जाएगी, लेकिन ये जितनी भी आगे इसको हम एक्सटेंड कर लें, ठीक है, ये ज़ीरो कभी नहीं होगी। ज़ीरो के करीब तो पहुंच जाएगी ये वैल्यू, ठीक है? जिस तरह से ये इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये क्या बनता है, 1/4, 1/8, 1/16, ठीक है? तो ये ज़ीरो के करीब करीब जाती जा रही है ये वैल्यू, लेकिन ये कभी भी इसका रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो नहीं आएगा, सही है? तो इस तरह से फिर जब ये ज़ीरो के करीब चली जाती है, ठीक है, तो हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह से कहेंगे कि ज़ीरो के करीब है, क्लोज़र टू ज़ीरो है, ठीक है? तो उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है? एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो और एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो में क्या फ़र्क है कि ये एग्जैक्टली जो है उसकी वैल्यू एक्स की ज़ीरो है, ठीक है? एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो का क्या मतलब है कि एक्स के करीब करीब वैल्यू है, सही है? तो एग्जैक्टली ज़ीरो वैल्यू नहीं है। और एक्स अप्रोचेस टू ए का भी यही मतलब है कि कोई ना कोई कांस्टेंट है, सही है? तो उसके करीब करीब हमारे पास वैल्यू होगी एक्स की, ठीक है? या थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली ए यानी कि वो कांस्टेंट की वैल्यू के इक्वल नहीं होगा एक्स। इसी तरह से इन्फिनिटी को अप्रोच करिए, मतलब कि 1/2 पावर n, ठीक है? इस तरह से आगे अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो ये बनता है 1, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, सही है? तो ये अब बनता है, इस तरह से वैल्यूज़ इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है? या फिर हम बात करेंगे 10 की पावर n, सही है? तो इसको एक्सटेंड अगर करें, n जो है वो आगे चलता जा रहा है, 1 से लेकर और ये नंबर्स आके आ जाते हैं, ठीक है? तो ये 10^1, 10^2, 10^3, मतलब के 10, 100, 1000, ठीक है, एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा। वैल्यू इसकी इंक्रीज होती जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है? लेकिन वो कभी भी इन्फिनिटी नहीं बनेगा, ठीक है? इन्फिनिटी के करीब करीब पहुंच जाएगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी इसकी, लेकिन ये उसकी वैल्यू एग्जैक्टली कभी भी इन्फिनिटी नहीं आएगी। तो इसको फिर हम उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सही है? तो अब इस पर हम जब फंक्शंस पे लिमिट लगाते हैं वो हम किस तरह से लिखते हैं, देखें। लेट सपोज एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है? इसे मैं लिमिट लगाता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है? कोई सभी एक कांस्टेंट को जो है वो एक्स अप्रोच कर रहा है। एक्स क्या चीज़ है, वो इनपुट है इस फंक्शन की, उस इनपुट पे, फंक्शन की इनपुट पे हम लिमिट लगा रहे हैं कि ये इनपुट अप्रोच करी है ए को, ठीक है? एग्जैक्टली ए के इक्वल नहीं है, बल्कि ए को अप्रोच करी है, तो फिर वो इसकी वैल्यू
एल आ रही है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, एल जो है वो लिमिट है इस फंक्शन की, सही है। एल क्या है, वो वैल्यू है, वो लिमिट है उस फंक्शन की। मतलब कि जैसे जैसे एक्स अप्रोच करता है ए की तरफ, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू एल के इक्वल हो जाती है, सही है। तो ये इस तरह से हम फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, और इसको हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए एंड इज इक्वल टू एल, एल की वैल्यू आ जाती है। अब हम कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं लिमिट्स के। लिमिट का थ्योरम नंबर वन, थ्योरम नंबर वन में क्या है कि द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम दो फंक्शंस का सम हो रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस हैं, उनका सम हो रहा है, अगर इस पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो इनके सम पर हम लिमिट अप्लाई करें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो इसको हम किस तरह से और सॉल्व कर सकते हैं कि इनकी अलग-अलग अलग लिमिट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। ये लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि द लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स, ठीक है। मतलब कि दो फंक्शंस के सम की लिमिट्स को हम दोनों फंक्शन के लिमिट्स के सम के इक्वल भी कह सकते हैं, सही है। तो ये है हमारे पास थ्योरम नंबर वन। अब हम थ्योरम नंबर टू पे आते हैं। थ्योरम नंबर टू में क्या कहा गया है कि द लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। जिस तरह से ये एडिशन है, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी यही काम होगा। थ्योरम नंबर टू मतलब कि लिमिट हम अप्लाई करते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए दो फंक्शंस के डिफरेंस पे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स पे, तो यही काम होगा कि उनकी अलग अलग से हम लिमिट्स ले सकते हैं एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। तो इसको हम इन वर्ड्स क्या कह सकते हैं, द लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स, ठीक है। मतलब कि दो फंक्शंस के डिफरेंस के ऊपर जो हमने लिमिट अप्लाई की है, वो इक्वल है दोनों की लिमिट्स के डिफरेंस के, ठीक है। तो इस तरह से अब हम आगे थ्योरम नंबर थ्री पर आते हैं। थ्योरम नंबर थ्री में है, अगर कोई कांस्टेंट जो है वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उस के ऊपर हम लिमिट लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसके ऊपर हम अगर लिमिट लगा रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो हम इस कांस्टेंट को लिमिट से बाहर लेके जा सकते हैं, क्योंकि लिमिट से उस कांस्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, सही है। तो हम इस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं और इस तरह से लिमिट सिर्फ फंक्शन के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स पे आ जाएगी। ये है थ्योरम नंबर थ्री। और थ्योरम नंबर फोर पे आते हैं। थ्योरम नंबर फोर में क्या कहता है कि द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। जिस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की थी, उसी तरह से प्रोडक्ट पे भी यही काम होगा कि दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये दोनों फंक्शंस जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इनके प्रोडक्ट के ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो हम इसको अलग अलग से भी इनके लिमिट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स और साथ में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इन वर्ड्स हम इसको क्या कहेंगे, द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स, ठीक है। यहाँ पर फंक्शंस का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर लिमिट लगी हुई है जो कि इक्वल है दोनों लिमिट्स के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ये हो गया थ्योरम नंबर फोर। थ्योरम नंबर फाइव में क्या है वो हम देखते हैं।
अच्छा थ्योरम नंबर 5 में क्या कहा, जिस तरह से प्रोडक्ट की बात हुई है उस तरह से क्वोशेंट की बात करते हैं, ठीक है। क्वोशेंट क्या होता है कि मतलब के रेशो में कोई अगर फंक्शंस हैं दो, ठीक है, तो मतलब एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शंस आपस में रेशो में हैं, ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड एक फंक्शन दूसरे को डिवाइड कर रहा है, तो अगर इसके ऊपर हम लगाते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो फिर हम इसको अलग अलग से लिमिट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी दो फंक्शंस के कोशेंट के ऊपर अगर हम लिमिट लगा रहे हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि उन दोनों लिमिट्स के कोशेंट के बराबर है, ठीक है। तो इन वर्ड्स हम कहेंगे द लिमिट ऑफ कोशेंट ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ द लिमिट्स, ठीक है, प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर इज़ नॉट ज़ीरो, ठीक है। मतलब कि डिनोमिनेटर पे जो है लिमिट अप्लाई करने से वो बस आंसर ज़ीरो ना आए इसका, ठीक है, डिनोमिनेटर ज़ीरो ना बने, बाकी जो है बाकी तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जो डिनोमिनेटर वो ज़ीरो ना बन रहा हो, सही है। तो थ्योरम नंबर 5 के ऊपर ये लिमिटेशंस हैं कि डिनोमिनेटर ज़ीरो ना बन रहा हो। और थ्योरम नंबर 6 पे आते हैं, थ्योरम सिक्स में क्या है कि लिमिट ऑफ फंक्शन जिसके ऊपर पावर हो, ठीक है, तो किसी कोई फंक्शन है उसकी होल पावर है, ठीक है, ये एक फंक्शन है उसके ऊपर होल पावर है एन, तो इसके ऊपर अगर हम लिमिट लगाते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, तो इस लिमिट को हम इसमें इस पावर के अंदर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो यूँ हम लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स और इसकी होल पावर भी हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये थे थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, एक और थ्योरम है जो कि इस चैप्टर में की बाकी एक्सरसाइजेज में बहुत यूज़ होगा, ठीक है, वो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, किसके ऊपर लिमिट है, साइन थीटा ओवर थीटा, ठीक है। लिमिट हम लगा रहे हैं थीटा के ऊपर, थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, थीटा जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, और जो कि फंक्शन क्या है, साइन थीटा ओवर थीटा, तो फिर इसका रिज़ल्ट 1 आएगा, ठीक है। ये आप थ्योरम पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसका प्रूफ भी आप पढ़ चुके हैं, तो इसको अभी हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। अब हम बात करते हैं वन साइडेड लिमिट्स की, ठीक है। वन साइडेड लिमिट्स क्या होती हैं कि पहले हमने बात की थी कि एक लिमिट है फंक्शन के ऊपर कि इस तरह से है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज ये एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर जो है ए लाई कर रहा है, सही है, यहाँ पर ए लाई कर रहा है ए, बाकी जो है ए माइनस वन, ए माइनस टू, ए माइनस थ्री, और यहाँ पे ए प्लस वन, ए प्लस टू और ए प्लस थ्री, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स को हमने कहा कि एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, ठीक है, ए को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि अब यहाँ से हम अप्रोच किस तरह से कर सकते हैं कि ये ए है, ए वैल्यू ये है, ठीक है, यहाँ से भी अप्रोच किया जा सकता है ए को, ठीक है, इस साइड से भी अप्रोच किया जा सकता है, ठीक है, दोनों साइड से ए को अप्रोच किया जा सकता है। तो एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब ये है कि दोनों साइड से अप्रोच किया जा सकता है ए को। तो अगर वन साइडेड की बात करें तो कौन सी दो साइड्स बनती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक है। तो वन साइडेड में क्या आ जाएगा, या सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट होगी या फिर राइट हैंड लिमिट होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ये एक वन साइडेड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है कि हम लिमिट इसको किस तरह से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव, सही है, एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव क्या होगा कि
वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करी है, ठीक है, उस वैल्यू को, ए जो है कोई कांस्टेंट है, सही है, उस ए को अप्रोच करेगी लिमिट कहाँ से, लेफ्ट साइड से, ठीक है, ए नेगेटिव का मतलब ये है लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगी, और उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, मतलब के अप्रोच करते हुए ए से हमेशा कम ही वैल्यू होगी, ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, इक्वल तो हो नहीं सकती, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं हो सकती। अब इस एक्स अप्रोचेस टू ए का क्या मतलब था, या थोड़ी सी ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू, या फिर थोड़ी सी कम होगी वैल्यू, ठीक है, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, हमेशा कम ही होगी, सही है, थोड़ी सी कम होगी उसकी वैल्यू एक्स की, क्योंकि वो ए को अप्रोच कर रहा है, ए से थोड़ी सी कम वैल्यू होगी, सही है, और लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है इसलिए कम होगी। तो अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव, ठीक है, ए पॉजिटिव मतलब के राइट हैंड साइड से जो है वो लिमिट अप्रोच कर रही है, ठीक है, ए को, मतलब कि ये राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट, और ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, सही है, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि राइट साइड से हम ए को अप्रोच कर रहे हैं, सही है, तो इसमें यहाँ पर देखें ए से ज़्यादा ही वैल्यू होगी, ठीक है, कम नहीं हो सकती, तो एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव का मतलब ये है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में थोड़ी सी ए से ज़्यादा ही होगी वैल्यू। अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, ठीक है, एट अ नंबर, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर, सही है, तो कंटिन्यूटी क्या होती है फंक्शन की, कि अगर देखें इसकी तीन कंडीशंस होती हैं, अगर फंक्शन जो है की कंटिन्यूटी हम चेक करें एट सी, सी लेट सी इज़ द नंबर, लेट सी इज़ द नंबर जिस पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की, फंक्शन क्या है, लेट फंक्शन इज़ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इस फंक्शन की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट सी, तो इसकी तीन कंडीशंस होगी, एक कंडीशन ये है कि एफ ऑफ सी शुड बी डिफाइंड, एफ ऑफ सी शुड बी डिफाइंड, डिफाइंड मतलब कि अगर हम इसमें एक्स में इनपुट में सी इनपुट दें, अगर इस फंक्शन में, ठीक है, सी को इनपुट दें तो हमारे पास कोई ना कोई डिफाइंड आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है, अनडिफाइंड नहीं आनी चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, इमेजिनरी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, सही है, तो कोई ना कोई डिफाइंड वैल्यू आनी चाहिए, तो इसको कहते हैं एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। तो इसकी दूसरी कंडीशन क्या है कंटिन्यूटी की, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब कि हम लिमिट भी अप्लाई करें इस फंक्शन के ऊपर जो कि हो एक्स अप्रोचेस टू सी, ठीक है, वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और साथ में जो है इस लिमिट की वैल्यू वो आनी चाहिए एफ ऑफ सी की वैल्यू के इक्वल, ठीक है, थर्ड इसकी कंडीशन ये बन जाती है कि जो लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास फंक्शन का रिजल्ट आया है या आउटपुट आई है वो इक्वल होनी चाहिए इस फंक्शन की डिफाइंड वैल्यू के, सही है, तो ये तीन कंडीशंस हैं कंटिन्यूटी के लिए कि फंक्शन तब कंटिन्यूस होगा जब ये तीनों की तीनों सेटिस्फाई कर रही होंगी, सही है। अच्छा, अब इनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई ना कर रही हो कंडीशन तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है, उसको हम कह देंगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो इसकी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, ठीक है, तो ये एक फंक्शन हमें गिवन है, लेट्स सपोज, तो इस पे हम वन पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि क्या वन पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखें एफ ऑफ वन, पहले ही कंडीशन क्या थी कि एट दैट वैल्यू, ठीक है, एट दैट नंबर, उस नंबर को हम इनपुट देंगे तो हम चेक करेंगे कि वो डिफाइंड है या नहीं है, तो एफ ऑफ वन इज़ इक्वल टू क्या बनता है, वन का स्क्वेयर, वन का स्क्वेयर माइनस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन इज़ इक्वल टू वन माइनस वन इज़ ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड,
अनडिफाइंड, तो ये तो पहली ही कंडीशन इसकी जो है सेटिस्फाई नहीं हुई, तो उसका मतलब ये है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है एट वन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। एट वन, ठीक है, वन ऐसा वन नंबर पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो अगर एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि लेट्स सपोज एक फंक्शन और है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। इसको इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो वही तीन कंडीशंस हम चेक करेंगे, सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू हम चेक करेंगे, सही है, मतलब कि एफ ऑफ वन चेक करेंगे कि वो डिफाइंड है या नहीं है। तो एफ ऑफ वन की इसके इक्वल आ जाता है 3 × 1² माइनस 5 × 1 प्लस 4, सही है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 − 5 + 4 ये 2 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो जो कि एक डिफाइंड वैल्यू है, 2 एक रियल नंबर है, सही है। तो एफ ऑफ वन जो है उस पे डिफाइंड वैल्यू आ रही है हमारे फंक्शन की। तो अब हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि उस लिमिट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, सही है, इज इक्वल टू लिमिट, ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, फंक्शन क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। अब इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू चेक करते हैं, तो ये क्या बनेगा, 3 × 1² माइनस 5 × 1 प्लस 4, ये बन जाता है 3 − 5 प्लस 4, जो कि रिजल्ट बन रहा है 2, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये जब हमने लिमिट अप्लाई की तो वो भी एक डिफाइंड वैल्यू आ रही है, मतलब कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद हम थर्ड कंडीशन पे आते हैं, थर्ड कंडीशन क्या थी कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल होनी चाहिए एफ ऑफ 1 के, ठीक है। तो ये क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है, सही है, और इसको अगर देखें तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 2 है, तो दोनों इक्वल हैं, तो ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 4, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हो रही होती, ठीक है, रिजल्ट ना सही आ रहा होता, मतलब कि लिमिट या तो लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही होती या फिर फंक्शन की वैल्यू जो है उसको हम जो नंबर जिस पे हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है वो इनपुट अगर हम फंक्शन को देते हैं और हमारे पास अनडिफाइंड वैल्यू आती है, फिर भी वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता, ठीक है। तो या फिर दोनों की वैल्यूज़, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन के ऊपर जो हमने इनपुट दी है उसकी वैल्यू इक्वल ना आती, तब भी वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता। तो ये हमारा लिमिट का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब हम आगे अगले लेक्चर में लिमिट की एक्सरसाइज करेंगे, 1.3 स्टार्ट करेंगे।